गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। बच्चों आज हम लेसन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने एमएस स्मॉल बेसिक पढ़ा, एक लैंग्वेज पढ़ा, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक सॉफ्टवेयर पैकेज पे काम करने जा रहे हैं और उसी के बारे में हम जानेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है और क्या कर सकते हैं इस पर हम, ये हम आपको पहले एक छोटा सा इसके बारे में जानकारी दे दें। पावर पॉइंट जो होता है यह डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है। इसमें हम पावर पॉइंट में हम कुछ स्लाइड्स बनाते हैं और उसके प्रेजेंटेशन को हम देखते हैं। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो तो फिल्म में सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका नाम आता है, एक नाम इधर से आएगा, फिर उसका इधर से आएगा, ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, मैंने डिज़ाइन करके वो नाम आता है, एक्टर का नाम, एक्ट्रेस का नाम, म्यूजिशियन, लिरिस्ट, जो भी चीज़ें हैं सबका नाम इस पे आता है। तो वही चीज़ कहलाता है हमारा एनिमेशन। तो ये एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिस पर कि हम इस पे काम करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, आपको पेज नंबर 36 खोलिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम बता दे रहे हैं आपको। वी हैव लर्न द बेसिक ऑफ पावर पॉइंट इन अर्लियर क्लासेस। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू ऐड टेबल्स, चार्ट्स, वीडियो एंड अप्लाई एनिमेशन टू अ स्लाइड। मतलब अब हम लोग इसके पहले पावर पॉइंट में हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग वीडियो बनाना, एनिमेशन बनाना, चार्ट बनाना, उसके बाद टेबल्स बनाना, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। However, PowerPoint tutorials provide various tools and features to enhance the appearance of a presentation. 2016 जो PowerPoint है ये हमको बहुत तरह के टूल्स देता है, मतलब औजार देता है एक्स्ट्रा, कि जिसके द्वारा हम अपने इसको फीचर्स को और अच्छा बना सके, अपने प्रेजेंटेशन को और अच्छा बना सके। यू कैन ऑल्सो यूज स्पेशल इफेक्ट्स, वीडियो, टेबल, चार्ट एक्सेट्रा टू मेक योर प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव। मतलब वीडियो, मतलब आप जो है इसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हो, वीडियो बना सकते हो, एनिमेशन बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो। तो बच्चों इसमें सबसे पहला बताना कि इंसर्टिंग टेबल, इंसर्ट मतलब किसी चीज़ को लाना, तो सबसे पहले टेबल को हम कैसे लाएंगे इसके बारे में यहाँ सीखेंगे। अ टेबल इज अ ग्रिड मेड अप ऑफ रॉ एंड कॉलम्स। रॉ और कॉलम्स, आपको मालूम है कि रॉ और कॉलम मिला करके ही एक टेबल का आविष्कार होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स फ्रॉम रेक्टेंगुलर बॉक्सेस कॉल्ड सेल्स। कॉलम्स आर वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स, वेयर एज रॉज आर हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स। मतलब जो ये हम टेबल लाते हैं, मतलब रॉ और कॉलम, आप लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में एक्सेल आपको पढ़े होंगे तो उसमें रॉ और कॉलम का जिक्र किया गया। तो टेबल इसी तरह से होता है जिसको कि हम ला सकते हैं। देखिए दे रहा है, फॉलो दिस स्टेप टू इंसर्ट ए टेबल इन ए प्रेजेंटेशन। इस स्टेप को आप फॉलो कीजिए तो आप अपने क्या कहते हैं प्रेजेंट डॉक्यूमेंट में आप टेबल ला सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप आपको दिया पेज नंबर 37 में। इसके बाद पूरा का पूरा आप सारा का सारा वर्क इसमें बच्चों देखो स्टेप बाय स्टेप दे रहा है। ये जो स्टेप दे रहा है इसी स्टेप को आपको फॉलो करते चले जाना है तो आपका टेबल बन जाएगा। ये बहुत आसान है, ये रिटेन में तो ये काफ़ी लंबा है लेकिन प्रैक्टिकल एकदम शॉर्टकट है, आप लोग रॉ और कॉलम बना सकते हो। मॉडिफाइंग अ टेबल, टेबल को मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं और कैसे करेंगे इसमें पूरा का पूरा देखिए आपको दिया हुआ है, सब स्टेप बाय स्टेप है। इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर लो, आपका टेबल बन जाएगा, उसको आप मॉडिफाई कर लोगे। ये सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप आपको दिया है। एडिंग स्टाइल टेबल, स्टाइल टेबल में कैसे ऐड करेंगे 39 नंबर पेज में देखिए।
मतलब उसके कलर को चेंज करना, डिज़ाइन को चेंज करना, ये सारी चीज़ें अप्लाइंग इफेक्ट्स, इफेक्ट को कैसे डाल सकते हैं, 3D इफेक्ट्स, 4D इफेक्ट्स आप कैसे डालोगे, ये सारा यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया है। देखो बच्चों, एक चीज़ मेरी बात हमेशा याद रखना, कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी बनी बनाई पैकेजेस आ रहा है हमारे पास, उस पर सिर्फ हमको मेन्यू के बारे में जानकारी अगर हो जाती है तो हमको ये पता चलेगा कौन चीज़ कहाँ से हम ला सकते हैं और बना सकते हैं, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ये जो शॉर्टकट में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ लिख करके बताएंगे, इससे अच्छा आप यहाँ पे क्या चीज़ है अप्लाइंग, जैसे यहाँ अप्लाइंग इफेक्ट्स दिया, इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अपने बनी चीज, अपने टेबल पर मतलब टेबल को एक अट्रैक्टिव बनाना, उसमें इफेक्ट डाल देना, उसको कलर कर देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया है टेबल के अंदर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप जो दे रहा है ना, इसको सिर्फ फॉलो कर, इसको पढ़ो समझो कि कौन चीज़ कहाँ मिलेगा, कौन सा कमांड किस मेनू में मिलेगा, बस इसकी जानकारी आपको चाहिए। और इसकी जानकारी जिस दिन हो गई आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्टिंग चार्ट, अब टेबल इंसर्ट हो गया, अब टेबल को साइड कर दो, ब्लैंक पेज लो, अब चार्ट को लाना है। तो चार्ट बनी बनाई चार्ट को ही हम ला सकते हैं, तो कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पे बताया, पेज नंबर 41 पे बताया है। तो बच्चों ये सब कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, इसको आप अपने आप ही स्टेप बाई स्टेप सब देखो, स्टेप बाई स्टेप बता रहा है कैसे करेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप है चार्ट के बारे में। चार्ट को ले आए, उसके बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज करेंगे, फ्रंट के कलर को कैसे चेंज करेंगे, कौन से डिजाइन में चार्ट चाहिए, उसके अंदर क्या इफेक्ट डालेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इसको पढ़िए, समझिए और ध्यान से, कहीं कोई दिक्कतें आती हैं वो आप हमसे क्वेरी कीजिए, हम आपको ठीक है।